चलो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक महोदय और सभी अतिथिगण और शिक्षकगण और मेरे सहपाठीगण, आज हम सब भारत का 59वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। परंतु सबसे पहले मैं भारत माँ की वंदना करती हूँ। न रोना है मुझे दुखड़ा इस जालिम जमाने का, न रोना है मुझे दुखड़ा इस जालिम जमाने का, सदा सांसों को होता है यहाँ आने या जाने का। ये कविता भाग्य पर अपने फूली नहीं समाती है, मिला आदेश माँ की दहली पे सर झुकाने का। अब हम बात करते हैं गणतंत्र की। किसी को सर दिया है उसने, किसी को मात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ ना कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगह डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, फिर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिए जाते हैं। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हम सभी भारतीय मिलजुल रहते हुए और अपने देश के विकास में जब योगदान करें ऐसी हर पल मंगल कामना करते हैं। जब भी हमारे देश की आज़ादी की बात होती है, आज़ादी शब्द सुनते ही सभी भारतीयों के मन में एक गजब की स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है। और अब बात जब देश की हो, भला कौन अपने देश से देश प्रेम नहीं करता। वतन हमारे ऐसे न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, दिल है हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान है हम है इसकी शान। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए एक संविधान और कानून की आवश्यकता थी जिससे पूरे देश में गणतंत्र की स्थापना हो सके। गणतंत्र यानी जनता का शासन। हमारे देश के महान नेताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें भारत का भारत के लोगों द्वारा भारत के विकास के लिए एक शासन हो जिसमें हर किसी को एक समान अधिकार हो, सब एक साथ रहते हुए अपना विकास करते हुए देश के विकास में योगदान दे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान लिखा गया और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश यह संविधान पर लागू हुआ और भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हमारे देश के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत के लोगों के लिए 26 जनवरी का दिन विशेष महत्व रखता है। लगभग 150 वर्षों से अधिक अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में अपनी आज़ादी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाने लगा और लोगों को देश प्रेम से जोड़ने के लिए यह राष्ट्रीय त्यौहार सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोता है। आज़ादी का मतलब एक ऐसी खुली हवा जहां हम अपने इच्छा से अपनी तरह अपने देश में जीवन बिता सके। इसलिए हम सभी को अपने देश से देश प्रेम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को अपने देश से देश प्रेम रहेगा तो फिर हमें गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
हम सभी ने भारतीयों का यही फर्ज बनता है कि हम अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर नहीं गवाएं और सब भारतीय मिलजुल रहते हुए देश की अखंडता को बनाए रखें और अपने साथ पूरे देश के विकास में योगदान दें। तभी हमारा भारत डॉक्टर अब्दुल कलाम के सपनों का विकसित भारत हो सकता है। एक भारत माता का गीत आपके सामने प्रस्तुत है। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद गट गट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्नहरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप गुणाधार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकृता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीत निदान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।